करो कि किसी ने हमें देखा नहीं। रही सबूता तो वो इस्लामाबाद होटल का रजिस्टर और उसके मुलाजमीन इस बात की गवाही देंगे कि ये दोनों हजरात इस्लामाबाद। वेरी गुड। पर अगर गोगा के घर वालों ने पूछा तो? जब हम यहां थे ही नहीं तो हमें क्या माना? ये तो बात ठीक है। तो ठीक है, लेकिन ये बहुत बुरा हुआ। तो यार मैं तो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था, तू बाहर था, तूने क्या देखा? रात से 10 मरतबा तुम यही सवाल पूछ चुके हो मुझसे, और मैं 10 मरतबा यही बता चुका हूं कि कोई साया सा था जो गोगा को मारने के बाद मेरी तरफ लपका, और मेरी कुछ समझ नहीं आया, और मैं गाड़ी की तरफ दौड़ा, और फिर 2 मिनट भी लेट हो जाते ना तो हमारे साथ भी वही होना था जो गोगा के साथ हुआ। यार ये समझ में नहीं आ रहा, ये ना होता तो कुछ देख लेता और फिर बचत भी मुमकिन नहीं थी। वैसे एक बात बताओ, वो बला क्या चीज थी? बला रीच, बदमानस? नहीं, मुझे तो लाला खौफ आ रहा है, बहुत भयानक था। यार तू झूठी बोल रहा है, 20 साल में तो मैंने कोई बदमानस कोई बला वाला नहीं देखी। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं लाला? बराल, हम दोनों यहां नहीं थे। अमर क्यों था? तो उसको मजा चकाने के लिए मैंने ऐसा मनसूबा बनाया कि वो भी याद रखेगा। ए मने सोचिए। चलिए हम बस भी करें, सुबह से मुसलसल रो रही हैं। तो और क्या करूं, मेरे बस में है ही क्या? इससे तो बेहतर था कि मैं आपको कोई बात बताता ही नहीं। तो क्या मुझे पता ना चलता मैं माँ हूं? माँ, मुझे इस हादसे से पहले ख्वाब में सब कुछ नजर आ गया था, मैंने आपको बताया समझाया, लेकिन आपने तो मजाक में बात उड़ा दी। आपकी तो आदत है हर बात को मजाक में उड़ाकर अपने कामों में मसरूफ हो जाते। अरे नहीं बेटी, ये बात नहीं है, खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि सब कुछ खैरियत से हो गया, मियां बीवी भी सलामत है, बच्ची खैरियत से है, फिर रोना किस बात का? जब से वो मनहूस इस घर में बहू बनकर आई है मैं तो उस दिन से रो रही हूं, लेकिन आपकी बला से। बंदर की बला तवेले के सर, भाई इसमें भला उस बेचारी सायरा का क्या कसूर है? सबकी अधरा तो उसी का है, पराई बच्ची को लेकर पाल रही है, आधी रात को वो लोग अपनी बच्ची को लेने आए और ये हादसा हो गया। ला हवला कुव्वता इल्ला बिल्ला। सारे एदादो शुमार करवाए मैंने, फाल निकलवाई है, जब तक ये मनुष्य इस घर में रहेगी मेरा बच्चा परेशानियों में घिरा रहेगा। हम औरतों को कौन समझाए? औरतों की तो समझ में आ जाता है, मर्दों को कौन समझाए? पर अब समझाने की भी जरूरत नहीं है, आपने जो करना था कर लिया, अब आपको समझाना भी नहीं है। क्या? अरे टाइम क्या हुआ, जल्दी से तैयार हो, स्टेशन जाना है। स्टेशन जाना? तो फैसला बाई ट्रेन आ रहा है? नहीं, मेरी सहेली आ रही है, साथ में उसकी बेटी भी है। और वो बेटी जो है बड़ी पक्की नजूमी है। नजूमी नहीं है, वो उसकी बेटी है, और मैंने सारी बात कर ली थी फोन पर, वो लोग राजी हैं। किस बात के लिए? आमिर को अपनी बेटी का रिश्ता देने के लिए। हैं? यानी दूसरी शादी? दूसरी नहीं, पहली शादी। पहले तो बच्चे ने जिद की जो हमने पूरी करके देख ली। देखो बेगम, बस बस मेरी बातों में कोई टांग ना अड़ाए,
बस 10-15 दिन के अंदर अंदर मैं अपने बच्चे की शादी कर रही हूँ। आमिर को आ लेने दो मरीज। आमिर से पूछा है आपने? मुझे किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है, आपने जो करना है वो करें, उसकी कहीं ट्रांसफर करा दें या ये नौकरी ही छोड़ दें। मुझे अपने बच्चे की जिंदगी हर चीज से ज्यादा अजीज है। तो सब ये क्या है? ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है। आप ऐसा करें कि थाने मिलाए, मैंने जरा ऐसे जो साहब से बात कर लूं। हेलो, ऐसा जो साहब हैं, डॉक्टर शर्जील बात करना चाहेंगे। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ, वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी है मेरे पास। हाँ, लेकिन सर एक बात है कि इस कत्ल में कोई किसी किस्म का हथियार इस्तेमाल नहीं हुआ। जी हाँ, मैं खुद बहुत हैरान हूँ। बहरहाल मैं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आपको भेज देता हूँ, उसके बाद बात करेंगे। राइट हो जी। ओके जी, खुदा हाफिज़। तबीयत है पलवशा की? अब पहले से बेहतर है, मैंने उसे इंजेक्शन दे दिया है और अब वो सो रही है। आप मुझे ये बताएं बीबी कि आप सिर्फ ट्रीटमेंट करती हैं या केस को स्टडी भी करती हैं? डॉक्टर साहब, आपके ट्रीटमेंट को फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। अच्छा, तो ये बताएं कि पलवशा के केस में क्या समझ आया आपको? डॉक्टर साहब, जहाँ तक मेरा अंदाजा है, उसके साथ कोई नफसियाती मसला दरपेश है, कोई खास वाकया, कोई हादसा, कोई सदमा, फिर कोई बात जिसे कि वो परेशान हो जाती है, फिर उसे दीवानगी दौरा पड़ता है और वो पागलों की तरह फिरती है। वैसे एक बात है, आपसे काफी मानूस हो चुकी है वो। हाँ, लेकिन असल बात की तह तक मैं भी नहीं पहुंच सका, आप मेरी मदद करें। डॉक्टर साहब, उसके जख्म काफी पहले से ठीक हो चुके हैं। जहां तक रहा गले का निशान, तो वो अभी तक ठीक नहीं हो रहा। नो इम्प्रूवमेंट। ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। मेरा ख्याल है ऐसा करते हैं कि दवा तब्दील देखते हैं। क्या बात है? कुछ नहीं। कुछ छुपा रहे हो? नहीं, तुमसे क्या छुपाना। ये क्यों? ये वो सारा दुश्मनी बढ़ गई, ये अपनी हिफाजत के लिए रखा है। पहले तो तुमने कभी दिन में इस तरह से पिस्टल नहीं रखा। पहले और बात थी, अब और बात है। वो शख्स मुझ पे कातलाना हमला करने के लिए आया था। तुम जानते हो उन्हें? हाँ। हाँ? लेकिन तुमने तो पुलिस को बयान दिया था कि ना तुम उन्हें जानते और ना पहचानते। हाँ, स्मगलरों का ग्रुप है, मनुष्य फरोश है।
लकड़ी फरोश हैं। ये उनमें से एक है। तो फिर पुलिस के सामने बेखबर रहने की वजह बताओ ना। पागल हो गई। अगर मैं पुलिस को बताता तो उन्हें यकीन हो जाता कि यह कत्ल मैंने किया है, मैंने मारा है उस आदमी को। आमिर, कहीं तुमने तो उसे कत्ल नहीं किया? क्या हो गया तुम्हें? तुम भी शक कर रही हो, पागल हो गई हो? तुम्हारे साथ मैं भागा हूं मुकद्दस को देखने के लिए बाहर, तुम भी शक कर रही हो? क्या हो गया तुम्हें? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये दूसरी मरतबा ऐसा हुआ है कि मुकद्दस दरवाजा खोल के बाहर गई है। आमिर, कहीं वाकई से नींद में चलने की बीमारी तो नहीं? हाँ, ऐसा हो सकता है। हम क्यों ना इसे डॉक्टर के पास लेके जाएं, इसका चेकअप कराएं। हाँ हाँ, मेरा ख्याल है ऐसा कर लेना चाहिए। ये कौन है? मम्मी ने नमाज पढ़ के बहुत सारी दुआ की अपनी रानी के लिए, पता है? सुनो, तुम यही आते हो? हाँ, मैं दुरुस्त हूँ। अरशद और एहसान साहब कहाँ हैं? वो थोड़े दिनों के इस्लामाबाद गया। रोके के बारे में जानते हो? वो तो अफसोस कर जाते, वो मर गया। साबत गूगा के कातिलों का सुराग मिला तो इसका मतलब है कि तुम्हें सब कुछ मालूम है? हम तो दो दिन से इस्लामाबाद थे जनाब, और हमें जैसे ही खबर मिली हम सब काम छोड़कर भागे चले आए। तुम्हें किसने खबर दी? वत हमारे मुलाजमों ने फोन कर दिया था जी। हम इस्लामाबाद में वही होटल में ठहरे थे। हम कैसे यकीन कर लें कि तुम इस्लामाबाद में ही थे? होटल का रिकॉर्ड मौजूद है जनाब, और जिन लोगों से हमारी बिजनेस मीटिंग थी वो लोग गवाह हैं, और होटल इंतजामिया। ताज्जुब की बात है कि जी हमारा साथी कत्ल हो गया और आप हमसे जरा कर रहे हैं। अगर वो तुम्हारा साथी है फिर तो तुम जानते होगे कि फॉरेस्ट ऑफिसर के रेस्ट हाउस में वो रात के वक्त क्या लेने गया। अजीब, वो तो मैं अजीब मत वो बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ। बताओ क्यों? अजीब, वो जो फॉरेस्ट ऑफिसर है वो नहायत राशि आदमी है, ब्लैक मेलर है। वो कई बार हमें उकसा चुका है दो नंबर काम के लिए। वो क्या वो 50-50 का चक्कर भी वो हम लोगों को दे रहा था जी। और हमने कई बार उसे वार्निंग दी कि खबरदार, ऐसा सोचा तो हम ऊपर शिकायत कर देंगे। देखे जी, हम नहीं माने ना तो उसने गोगे को मनवाना चाहा। गोगा न्याय शरीफ, ईमानदार और बहुत ही कम वो आदमी था। ओह अल्लाह, और उसने तो कई बार हमें रेस्ट हाउस पे बुलाने की दावत दी लेकिन हमने हर बार इनकार कर दिया। वत एसएचओ साहब, हमारी गैर मौजूदगी का फायदा उठा के उसने गोगे को अपने घर बुलाया होगा, डेफिनेटली। मगर इसमें कत्ल की कोई वजह नहीं बनती। कैसे वजह नहीं बनती जनाब? ये दोनों में गर्मा गर्म गुफ्तगू हुई होगी, गोगे ने इनकार किया होगा और उसने अपनी बदनामी के डर से
बेचारे गोगे को कत्ल कर दिया होगा। अल्लाह अल्लाह। मगर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में तो उसके जिस्म पर किसी दरिंदे के पंजों के निशान है। वाह सच्चा साहब वाह, आप भी बड़े ही मासूम आदमी हैं। अब कत्ल की तफ्तीश का रुख मोड़ने के लिए आप ये बलाओं वाला खेल खेल रहे हैं। वाह 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 सच्चा साहब वाह। और सर ये तो सीधा साधा केस है, इसको क्यों इतना उलझाया जा रहा है? बहरहाल आप दोनों को थाने आना होगा। अब जब आप हुक्म करें अभी चले जी चले। पर लाला वो पहले कब्रिस्तान से तो हुआ है। यार वो कुरान खाने का भी इंतजाम कर। सर मैं तो कहता हूँ अभी इनकी जरूरत नहीं है, जब इनकी जरूरत पड़ेगी इन्हें थाने बुलवा लेंगे। हाँ ठीक है आओ। यार रख दो फाइलें, देख लूंगा, बार बार उठा के ले आता फाइलें। सर जी आप कुछ परेशान लग रहे हैं। आई एम सॉरी, मैं वाकई आज कुछ परेशान हूं। सुनो कभी इससे पहले कोई ऐसा वाकया हुआ, मेरा मतलब है कि रेस्ट हाउस में इस तरह का कभी कोई वाकया हुआ? अब ये तो जंगल है, छोटे मोटे वाक्य तो होते रहते हैं, लेकिन इस तरह का पहली दफा वाजी वाक्य। अच्छा। सुनो जावेद मैं बाहर जा रहा हूँ, तो कोई घबराहट सी हो रही है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अगर कोई मैसेज आए तो नोट कर लेना। Mm-hmm.
क्या बात है? बेगम साहबा, कई दिनों से एक बात करना चाहती थी मगर समझ नहीं आ रही। क्या बात है? घर में काफी अर्से से अजीब और गरीब वाकियात हो रहे। हाँ, यही सोच के तो मैं परेशान होती। मैंने पहले भी बताने की कोशिश की मगर आपने डांट दिया। तो तुम कोई ढंग की बात करो तो मैं सुनू भी ना। सांप मरा, फिर कुत्ता भाग गया, फिर पता नहीं क्या क्या होता रहा, अब ये कत्ल हो गया। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, ये सब कुछ क्या हो रहा है? बेगम साहबा, आपको जिन भूतों पर यकीन है? हाँ, इनका वजूद तो है, लेकिन क्यों पूछ रही हो तुम? बच्ची के वालदेन का कुछ पता चला है या नहीं? परवीन, मुकद्दस हमारी बेटी है, समझ आई? आइंदा इस तरह की कोई बात मुंह से ना निकालना। बेगम साहबा, यही तो मैं कहना चाहती हूँ, जिस दिन से ये बच्ची घर में आई है अजीबो गरीब हरकतें हो रही हैं। मुझे तो लगता है ये किसी मनहूस चुड़ैल। शट अप! इस तरह की फजूल बातें अपने मुंह से मत निकाला करो, समझा? चुड़ैल होगी तुम खुद। मुकद्दस का, मुकद्दस इधर आओ बेटा। मम्मी को छोड़ के नहीं जाते ना, मम्मी डर जाती है, मम्मी डर जाती है। क्या बात है, लाओ इधर। मेरी रानी तो डूबिएगी अच्छी बच्चों की तरह। फिनिश कर दो, फिनिश सारा। परवीन अच्छी लगती है आपको? मारती तो नहीं है आपको? मारती है? गंदी है, मम्मी भी मारेंगी उसे, ठीक है? अब मारे तो मम्मी को बताइएगा। शाबाश, बस अच्छा है ना? बस नहीं, थोड़ा सा है, खत्म करो इसे। शाबाश, खाओ खाओ। अच्छा, तो खिदमतें हो रही हैं परदशा की। कैसी हो, ठीक हो? मैं ठीक, ये अच्छी प्यारी प्यारी। तुम भी बहुत अच्छी हो, बहुत प्यारी हो। अच्छा, और मैं? गंदा, पागल, चिच्ची। अच्छा, मैं गंदा हूँ? तो ठीक है, मैं तुमसे नहीं बोलता, बल्कि मैं चला ही जाता हूँ। नहीं, माफी। नहीं, मैं नाराज हूँ। माफी, गलती, सब सब नाराज मुझसे, तुम भी माफी। नहीं, मैं नहीं। परवशा, डॉक्टर को नाराज कर दिया ना? अच्छा, माफी। प्यारे खुशबू वाला, मैं गंदी
डॉक्टर साहब। अच्छा बच्चा काका, बच्चा काका 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 काका, पहले से बहुत बेहतर हो रही है और मैं भी मना कर रही थी। मेरा ख्याल है कि अगर हम इस दवा का मुसलसल इस्तेमाल रखें तो ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। माफी। अच्छा चलो ठीक, पूरी दोस्ती, ठीक है? दोस्ती है, ठीक है। क्या हुआ? क्या हुआ? दर्द दर्द दर्द। रफ्तार ये के गर्दन का काम ठीक नहीं हो रहा। दिखाओ कहाँ है? आइए मिलते हैं दुनिया की सबसे ज़हीन स्टूडेंट से। मैं हमेशा फर्स्ट आती हूँ, मैं बहुत। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या है? बहुत हैरान कुन है। देखो आमिर, मुझे नहीं लगता कि उस शख्स का कत्ल किसी इंसान ने किया। तो फिर लाश पर खूनी पंजों के निशान हैं। फिर मैं ये सोचता हूँ कि एक इंसान किसी दूसरे इंसान का इतना बेदर्दी से और इतना सवेर कत्ल कैसे कर सकता है, और वो भी किसी हथियार के बगैर। तो तुम्हारा मतलब ये है कि ये कत्ल किसी दरिंदे ने किया है, जानवर ने किया? मैं कुछ नहीं कह सकता, अभी तक तो वो बच्ची ने भी कुछ नहीं बताया। हाँ शर्जीन, बच्ची पे याद आया कि मैं ज्यादा परेशान मुकद्दस की वजह से हूँ। दो मरतबा ऐसा हो चुका है कि वो नींद में रात को बाहर निकल गई। आमिर तुम एक काम करो, तुम अपने चौकीदार और माली से कहो कि वो खबरदार है, और तुम खुद भी ख्याल रखो। मैं अपनी सी कोशिश करता हूँ। आमिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस रेस्ट हाउस में कोई साया है, कोई आसेब है? वहां पे सबसे बड़ा साया, सबसे बड़ा सेब तुम्हारा दोस्त आमिर है। ओके शर्जी, ओके ओके, अल्लाह। खुशी तो हमें तब होगी जब हमारी बेटी का घर आबाद होगा, तब बड़ा मजा आएगा। ओ, तो गोया बात काफी आगे निकल चुकी है। मेरे बचपन की सहेली है, फोन पर काफी सारी बातें हो चुकी हैं। देखे ना भाई साहब, आपका इतना बड़ा घर है और जिस घर में बच्चे ना हो उस घर का क्या फायदा? बहरहाल आप परेशान ना हो, मैं जो आ गई हूँ आपका दुख मिटाने के लिए। किन को समझा रही हो? ये दोनों बाप बेटा एक जैसे हैं। ये बात ना इनकी समझ में आई ना ही उसके आई। रही ना पोली की पोली, तुम तो बिल्कुल फिक्र ना करो, इन्हें भी मैं समझा देती हूँ और तुम्हारे बेटे को भी मैं ही समझा देती हूँ। पर हाल तुम उसे एक दफा मरी से तो बुलाओ। अम्मी इसमें क्या मुश्किल है, वो नहीं आते तो हम खुद मरी चले जाते हैं। है जी? ना बेटी ना, मुझे जाने में तो कोई इतराज नहीं, पर इस बात का तो पहले फैसला हो कि उस कल मोही को तलाक कब देगा हमारा बच्चा। मेरा ख्याल है कि ये बात इस तरह नहीं होनी चाहिए। जैसे भी हो वो तलाक तो देगा उसे। ठीक है ना दे,
लेकिन इस बात का तो फैसला कर ले कि वो आपके पास रहेगी। घर के कामकाज के लिए भी तो तुम्हें जरूरत है ना। और मेरी बेटी हाय देखे तो सही कितनी प्यारी है, कितनी शहजादी है, शहजादी बड़ी मासूम है, बड़ी छोटी सी उम्र है इसकी, ये बिल्कुल मेरे पे गई है, बड़ी समझदार है, सारा घर बिल्कुल संभाल लेगी ये। बहन जी आप अभी तो आई है इस तरह। लगता है भाई साहब आप तो अपने बच्चों को बूढ़ा करके ही दम लेंगे। नहीं नहीं आप समझी नहीं, दरअसल हमारी बेगम जो है ना वो दरअसल पागल। नहीं नहीं जाहिल। अजी नहीं बेवकूफ। अरे नहीं बेगम बात तो करने दो। बस बात जो होनी थी हो चुकी, मैं आज ही अपने बच्चे को फोन करके बुलाती। मेरा मतलब हमें कोई बात करने का मौका तो देना। आप लोग बैठे आप जरा मेरी बात सुनो। यही तो मैं कह रहा था कि आप जरा मेरी बात सुने। चले अरे कम वक्त मारी, ये क्या तू अमराव जान की तरह उस वक्त से दुपट्टे से खेली जा रही है। अम्मी आपने खुद ही तो कहा था कि ऐसे करना है। हाय मेरी किस्मत, तू तो जरा भी मेरे पे नहीं गई है। तू पता नहीं क्यों अपने आप को लखनऊ की बांकी समझती है। अच्छा सुन मेरी एक बात, यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, आमिर बेटा भी और उसके माँ बाप भी, तूने इनका बड़ा ख्याल करना है और बड़ी खिदमत करनी है। बड़ी खिदमत करूंगी मैं इनकी। हाँ बेटी मैं यही तो कह रही हूँ, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बहरहाल तुमने इनका ध्यान रखना और ये सारा कुछ बड़ा जल्दी करना है। मैं भी कोशिश करती हूँ, हाँ मैं भी कोशिश करती हूँ कि हम भी मरीज चले जाए या बेटे को यहाँ पे बुला ले। बहरहाल ये तो अब तुम्हारे पे है कि तुम इनको किस तरह से काबू में करती हो। आप बिल्कुल फिक्र ना करें अम्मी, मैं ये सब कुछ कर लूंगी। ये झूठ है, ये इल्जाम है, बहतान है। मगर उन्होंने तो ये इल्जाम भी लगाया कि आप मरने वाले को स्मगलिंग के लिए मजबूर करते रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक जिम्मेदार ईमानदार फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ, मुझे क्या जरूरत पड़ी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उनका ख्याल है। उनका ख्याल है, उनकी हर बात पे आपको यकीन है, मेरी किसी बात पे आपको यकीन ही नहीं आ रहा। नहीं नहीं आमिर साहब हम यकीन नहीं कर रहे, हम तो शक की बुनियाद पर बात कर रहे हैं। उन्होंने तो यहां तक कहा है कि आप गोगा को अपने घर भी बुलाते रहेंगे। जी ऐसा ऐसा कभी भी नहीं हुआ। हाँ मैंने एक दफा उसे अपने ऑफिस से जलील करके निकाल दिया था, मगर उस दिन जो आपने बयान दिया था उसमें तो आपने कहा था कि मैं गोगा को जानता था। अपनी हो सकता है और हो सकता है मैंने ऐसा कहा हो, मैं अपनी बच्ची की वजह से परेशान था, मुमकिन है कुछ इस तरह का स्टेटमेंट दे दिया हो मैंने। बहरहाल उन्होंने जो गोगा के कत्ल की FIR करवाई जी, उसमें आपका नाम भी दर्ज है। आप बात क्यों नहीं समझ रहे हैं, वो स्मगलर हैं, मनशियात फरोश हैं, ये मेरे खिलाफ साजिश हो रही है इंस्पेक्टर साहब। हमें सर आपके पास क्या सबूत है कि वो स्मगलर हैं, मनशियात फरोश हैं? मैं खुद अपनी इन गुनाहगार आंखों से जाके देख के आ चुका हूं। आप वहां छापा मारे हैं, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको वसूख से कह रहा हूं। ठीक है आप एक जिम्मेदार फॉरेस्ट ऑफिसर, और अगर वो मंशात फरोश और स्मगलर हैं तो वो हमसे बच के कहीं नहीं जा सकते। मगर जब जब आपकी जरूरत पड़ेगी आपको थाने आना पड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब आप मुझसे दूर नहीं है, थाना मुझसे दूर नहीं है, जब आप हुक्म करेंगे मैं यहां हाजिर हो जाऊंगा। अगर आप कहते हैं तो मैं कोई जमानत या जमानत। नहीं नहीं, नहीं, नहीं। फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है, आइए मैं आपको गाड़ी तक छोड़ देता हूं। आमिर साहब दरअसल कानून सबके लिए बराबर होता है। सब जगह देख लिया सर, कोई भी चीज बरामद नहीं हुई। SHO साहब आपने छापा मारकर कुछ अच्छा नहीं किया।